सॉरी हाँ जब फिर मिलते हैं बिल्कुल ऑफकोर्स हाँ बिल्कुल मैं बहुत जल्द आ रहा हूँ अगले मंथ तो थैंक यू तो बहुत ही अच्छा लगा यार मिलके कि गाइस वेलकम टू माई चैनल सो एवरीवन कैसे हैं आप लोग मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे मैं अभी पुष्कर में हूँ और मैं जा रहा हूँ अभी सावित्री माता टेम्पल घूमने के लिए तो पीछे आपको दिख रहा होगा कि सारा चीज़ें ऊँट और इसके साथ आपको टेम्पल भी मिल जाएंगे तो मैं अभी चल रहा हूँ टेम्पल के पास और आज बहुत ही दिन घूमने का मौका मिला मुझे बहुत दिन बाद आया मैं आज इस साइड मतलब दो तीन दिन से हूँ तो दो तीन दिन से मतलब आज टाइम मिला मुझे जाने के लिए घूमने के लिए तो मैं आज चलूँगा आप लोग को घुमाऊँगा बट अभी फ़िलहाल मैं चल रहा हूँ रास्ते में तो अभी रास्ते से आप लोग को रूबरू कराऊँगा तो हम चल दिए इस सावित्री माता टेम्पल के पास और ये रहा रास्ता आप अगर पुष्कर में आते हैं मेला ग्राउंड के पास वहाँ से करीब आपको पड़ जाएंगे 1.5 से 2 किलोमीटर के आसपास ये जो मंदिर है और ये मंदिर पर रोपवे भी चलती है लेकिन मैं रोपवे से नहीं जाऊँगा क्योंकि तो मुझे जितना पैदल घूमने में इंटरेस्ट है और अच्छा लगता है तो मुझे इलेक्ट्रिक चीज पे चल के जाना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है और इसके बगल में भी ये बहुत सारा कभी होता है ना कि जब भगवान से मिलना हो तो एक छोटी सी उम्मीद लेकर के चले आते हैं तो वैसे ही मैं एक छोटा सा उम्मीद लेकर के आया हूँ और दिल में एक छोटी सी आशा है छोटी सी विश्वास है कि मैं माँ जी से कुछ मांगूँ और वो मुझे मिले तो फाइनली ये जो टेम्पल है बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है बहुत ही अट्रैक्टिव है जो कोई भी आता है पुष्कर में तो ये सारी चीज़ें ज़रूर देखने को पसंद करता है तो कहाँ से हैं आप सर हम लोग दिल्ली से दिल्ली से दिल्ली में कौन सी जगह से दिल्ली में हम लोग जगतपुरी जगतपुरी से मैं बिहार से हूँ फ्रॉम सासाराम बिहार अच्छा। तो दिल्ली के मेरे नज़दीक वाले ही मिले क्योंकि मेरा यूपी बॉर्डर जस्ट है हाँ। तो बहुत ही अच्छा लगा तो आप लोगों को कैसे मन बना कि मैं मंदिर के पास जाऊं फर्स्ट टाइम आए अच्छा फर्स्ट टाइम विजिट करने आए हाँ। पुष्कर घूमने आए थे तो किसी ने अच्छा। टेंपल बताया तो इससे ओह अच्छा तो चलिए वैसे मैं राजस्थान से ही हूं प्रॉपर हां अच्छा फर्स्ट टाइम में ही आ पाए हैं अच्छा चलिए ये भैया इनके हस्बैंड तो बहुत ही अच्छा है क्यूट से बन रहा है मेरा राजू रजनीकांत चैनल है तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा थैंक यू सो मच सर ओके थैंक यू मैम तो बहुत ही अच्छा लगता है कभी भी कि कोई हमें मिलते हैं उस चीज़ को समझने के लिए देखने के लिए तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है और ये जो सीढ़ियाँ आपको दिख रही है ये सीढ़ी कोई छोटी मोटी सीढ़ी नहीं है टेम्पल के पास और सबसे और एक बड़ी बात यहाँ आंधी बहुत ज़्यादा ज़ोर से आती है ऐसे लगता है मानो उठा करके ये आंधी लेकर के चला जाए तो भाई साहब शाम के जब भी यहाँ होते हैं शाम के जब टाइम होते हैं बहुत ज़्यादा आंधी तूफान बारिश बिजली कड़कना ये सारी चीज़ें होती रहती है तो बहुत डर लगता है यार मुझे कि नहीं यार शायद मुझे नहीं लगता है कोई चीज़ें होनी चाहिए बाकी भाई साहब मस्त बहुत ज़्यादा मस्त लगता है आंधी पानी तूफान ये सारा नेचुरल चीज़ है भाई भगवान के दिया हुआ हर चीज़ खूबसूरत है वो भी अपने टाइम से आता है तो खूबसूरत ही होता है तो चलिए इस टेम्पल से आपको रूबरू कराता हूँ
फाइनली आ चुके हैं यहाँ पे मंदिर के पास, लेकिन रहा नहीं गया यार, बहुत ज़्यादा थक गए। देख रहे हो बहुत ज़्यादा सीढ़ी, वो नीचे से चढ़ के आना कोई बड़ी भाई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। पुष्कर दिख रहा है यहाँ से भाई साहब, ये रोपवे जा रहा है बगल में और पूरा का पूरा पुष्कर दिख रहा है, पुष्कर मतलब पूरा का पूरा पुष्कर दिख रहा है भाई। इधर से ये साइड चले जाओ, पूरे पहाड़ के बीच में है पुष्कर, और पहाड़ के उस साइड में आप जाओगे तो अजमेर पड़ेगा। तो गाइस हम आ चुके हैं सावित्री माता टेम्पल के पास, और ये रहा चढ़ाई, कुछ ज़्यादा ही बड़ी चढ़ाई है और ऊंचाई चढ़ाई है, क्योंकि क्या होता है ऊँची चढ़ाई में सीधा खड़ पड़ता है तो, और यहाँ से पूरा पुष्कर भी देखने को मिल जाएगा। और ये जो टेम्पल है भाई बहुत ही ज़्यादा फेमस टेम्पल है ये इंडिया में, क्योंकि अगर कोई ब्रह्मा टेम्पल की बात आती है तो पूरे वर्ल्ड इंडिया में, अगर कहा जाए तो पूरे वर्ल्ड में एक यही जो आपको सरोवर नदी ये दिख रहा है ब्रह्मा सरोवर, तो ये पूरे इंडिया में एक ही है। और वहाँ पे भगवान ब्रह्म जी का टेम्पल है, मंदिर है वहाँ पे, और उनके अपोजिट साइड में आपको बैक साइड में आप जैसे ही आइएगा तो ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाएगा, घूमने वाला रेगिस्तान वगैरह है। और यहाँ पे भाई साहब मुझे तो वैसे भी डर लगता है, तो क्यों ना थोड़ा सी साइड से होके चले हाँ। और भाई साहब बहुत थोड़ा ज़्यादा चढ़ाई है, अगर ये चढ़ाई हर कोई मेंटेन कर ले तो भाई अच्छी बात है, अब तो यार चढ़ना तो पड़ेगा ही। देख लो मंदिर के पास तो आ चुके हैं और सारे के सारे लोग देख रहे हैं इधर ही टेंपल के पास घूम घूम के कि क्या सीन है, कैसा है यार, बहुत ज़्यादा चढ़ाई है, मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई का मतलब बहुत ज़्यादा चढ़ाई। आप देख सकते हो भाई यहाँ से मैं आया, ये सारे के सारे ये सीढ़ियाँ चढ़ करके, और है यार ये लोग मंदिर में ही ये लोग बैठ के सुकून ले रहा है। और ये तो लग ही ये रोपवे का आउटिंग साइड है, यहाँ से जो आपको दिख रहा है वहाँ से इनिंग है, और वहाँ से इनिंग होते होते यहाँ से आउटिंग हो जाती है। और भाई साहब बहुत ज़्यादा थोड़ा सी थक गए, ये थोड़ी मोड़ी सी सीढ़ी नहीं है, बहुत ही बड़ा सीढ़ियाँ हैं, और करीब 300-400-500 की बात कहा जाए तो सीढ़ियाँ होगी क्या ले भाई। तो सॉरी भी ब्लॉगिंग करते हैं आप देख सकते हैं, और भाई साहब और सब बढ़िया, कहाँ से हैं प्रॉपर आप? कर्नाटका से और मैं बिहार से। यस, तो भैया भी चैनल है इनका भी, सब्सक्राइब टू इस चैनल। नहीं नहीं अपना चैनल पहले बताइए, आपका चैनल का क्या नाम है? मेरा तो स्टिकर, अच्छा यही नाम से, तो मेरा चैनल है, तो भैया का चैनल नोटते नन चैनल सब्सक्राइब मारी प्लीज। ये जो श्री सावित्री माता मंदिर लिखा हुआ है यहाँ पे एक डायरेक्शन दिया गया है, तो इस डायरेक्शन के अनुसार आपको हर चीज़ें मिलेगा, पानी पीने का, जूता चप्पल बाहर ही उतारने का, ये सारी चीज़ें यहाँ पे, ये सारा एक सबसे मेन टॉपिक है। जैसे आप कहीं भी इधर से आते हैं तो अपना शूज वगैरह पहन करके कहीं भी आप चले जाते हैं, तो अन्यथा ऐसा गलती ना करें, शूज वगैरह यहाँ खोल दीजिए, और इसके बाद में आप टेम्पल के साइड आप जा सकते हैं। और मंकी तो भाई बहुत सारे हैं, अलग अलग तरीके के रिएक्ट दिया हुआ है लोग, भाई इधर तो पहाड़ी पहाड़ है और इधर रेगिस्तान है। चलते हैं इस मंदिर के ओर, शायद वीडियो बनाना अलाउड है या नहीं ये तो नहीं पता, पर फिर भी चलते हैं देखते हैं, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। और भाई साहब अभी तो कुछ नहीं, अभी तो ऊपर में ही हम लोग हैं, वाह बहुत ज़्यादा ही सुकून है। और ये
माता जी का स्थान रहा और यहाँ पे लोग आते हैं, पूजा पाठ करते हैं। और कहा जाए तो अंदर में एक अच्छा सा मूर्ति है माता सावित्री माता जी का मंदिर। तो से बाहर के लोग हो गए, विदेशी लोग भी यहाँ पे आते हैं। और यहाँ पे ये जो है ये बहुत है, तो ये एक टेंपल, खूबसूरत टेंपल है और ये सबसे वर्ल्ड इंडिया में फेमस टेंपल है जैसे कहा जाए। तो ये आपको तो इससे पता चल ही रहा होगा कि बहुत सारे लोग यहाँ पे आते हैं, कोई सीढ़ियाँ चढ़ के आता है, कोई रोपवे से आता है, तो हर कोई अपना एक स्थान लेकर के आता है घूमने से, कोई मूड में आता है, कोई अपने सामान लेकर के आता है। तो मैं तो आया हूँ और यहाँ भी मंदिर के पास भी ये लोग मिल गए तो बहुत ही अच्छा लगता है यार कि हाँ भाई, मतलब कोई मिलता है बात करता है तो अच्छा ही लगता है। तो प्लीज़ आप लोग अपने बारे में बताइए कुछ कि वैसे बेसिकली क्या करते हैं आप लोग, कुछ तो होगा तो अपने बारे में कुछ बता दीजिए। अच्छा ये एडवोकेट है। अच्छा चलिए बहुत ही अच्छा। तो भाई माउंट से तो पूरा ये पुष्कर ही घेरा हुआ है, पूरे से कहीं भी जाओ कहीं भी देखो पूरा का पूरा पुष्कर में ये पहाड़े हैं, इस पहाड़ से ही ये पूरा का पूरा छिपा हुआ है। और ये पहाड़ के बीच में ही है एक पुष्कर जो अजमेर के बहुत ही खास है, जिसे कहा जाए तो एक इससे रिलेटिव अगर कोई अजमेर को जानता है तो इस पुष्कर से ही पूरे अजमेर को जानता है। और बाकी तो कहा जाए तो भाई आप इस माउंट से तो अंदाज़ा लगा ही सकते हैं क्या चीज़ें हो सकते हैं आने के बाद। एकदम ठंडी ठंडी हवा, एक अलग सा सुकून यहाँ पे मिलना एक अलग सी चीज़ है। तो कैसा है वीडियो, प्लीज़ आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्त को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू सो मच। और ऐसे ही आप लोग को नए नए जगह पे घुमाता रहूँगा और एक नई ब्लॉग आप लोग के बीच में लाता रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद।